हेलो गाइस, तो चलिए इस न्यू डिज़ाइन गेट पर्दा को बनाना बताते हैं। और उससे पहले, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना कर सके। तो चलिए इस प्यारा सा डिज़ाइन को बनाकर बताते हैं। बहुत ही इजी पैटर्न है, आप इजीली बना सकते हैं इसे। तो चलिए इस पट्टी पे ये वाली गेट पर्दा बनाकर बताते हैं। बहुत ही ईजी पैटर्न है और प्यारा सा डिज़ाइन है। तो हम इसे फोल्ड करके और यहाँ पे बीचों बीच में 11 लाइन गिनती करके और ये ऊन लगा दिए हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 लाइन है यहाँ से यहाँ तक। तो हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम यहाँ जो ऊन लगा है वहाँ पे ऊन को बांध देंगे। बांध कर यहाँ पे चैन दे देंगे, 1 2 3, यहाँ पे 3 चैन दे दिए। अब ये वाली ऊन हटा लेंगे और यहाँ पे फंदे डाल देंगे, 1 2 3, 3 फंदे डाल देंगे, 3 चैन ले लेंगे, 1 2 3, और यहाँ 3 फंदे डाल देंगे, 1 2 3, चैन डाल देंगे, 1 2 3, और अगले वाली लाइन में, पट्टी की अगले लाइन में हम फंदे डाल देंगे, 1 1 2 3, 3 चैन दे देंगे, 1 2 3, फंदे डाल देंगे, 1 2 3, चैन डाल देंगे, 1 2 3, फंदे ले लेंगे, 1 2 3, 3 चैन डाल देंगे, 1 2 3, फंदे ले लेंगे, 1 2 3, चैन ले लेंगे, 1 2 3, फंदे डाल देंगे, 1 2 3, यहाँ पे हम 3 चैन ले लेंगे, 1 2 3, फंदे डाल देंगे, 1 2 3, 3 फंदे डाल दिए। तो ये जो 3 फंदों वाली डिज़ाइन है, हमने 11 डिज़ाइन बना लिए यहाँ से यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ से यहाँ तक 11 लाइन दे दिए हैं। तो हम इस डिज़ाइन की दूसरी लाइन लगाएंगे। यहाँ से पट्टी पलट लेंगे और इस ऊन को हटा देंगे। ये ऑरेंज वाली जो ऊन है इसका अब कोई काम नहीं है। यहाँ पे हम चैन ले लेंगे, 1 2, और यहाँ पे बांध देंगे इस चैन में। बांध कर चैन ले लेंगे, 1 2 3, 3 चैन लेकर यहाँ फंदे डाल देंगे, 1 2 3, 3 चैन डाल देंगे, 1 2 3, फंदे ले लेंगे,
एक दो तीन, तीन चैन डाल देंगे, एक दो तीन, एक दो, यहाँ पे तीन चैन दे देंगे, एक दो तीन, फंदे डाल देंगे, एक दो तीन, तो हम अब इसकी लास्ट डिजाइन बनाएंगे। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक बना लिए हैं, एक दो तीन, फंदे डालेंगे, एक दो तीन, यहाँ से हम वापस पट्टी को पलट देंगे, यहाँ पे चैन ले लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन डालकर बांध देंगे यहाँ पे, यहाँ पे चैन ले लेंगे, एक दो, दो चैन लेकर बांध देंगे यहाँ। अब हमें तीन चैन डालनी है, एक दो तीन, फंदे डालना है, एक दो तीन, तीन चैन डालना है, एक दो तीन, एक दो तीन। यहाँ पे हम डिजाइन की तीसरी लाइन चला रहे हैं, तो हम इसकी पूरी डिजाइन बनाकर बताते हैं। बस हमें यहाँ से दोनों साइड से डिजाइन को घटाते जाना है, हम गैप में बनाएंगे तो यह खुद ही घटता चला जाएगा। तो हम एक पे लाकर बताते हैं आगे कैसे बनाना है। यहाँ पे हम इस डिजाइन को यहाँ से यहाँ तक बना लिए हैं, ये लास्ट वाला डिजाइन, इस गैप में एक और बनेगा, तो इसके लिए हम डिजाइन को यहाँ से मोड़ देते हैं। यहाँ हम चैन ले लेंगे, एक दो, और इस वाले चैन में बांध देंगे, बांधकर तीन चैन डाल देंगे, एक दो तीन, तीन चैन लेकर फंदे डाल देंगे, एक दो तीन, इसकी डिजाइन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से यहाँ तक इसकी हम लाइनें गिनती कर लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह लाइन में कंप्लीट हो गया है। और यहाँ से यहाँ तक भी हम ग्यारह लाइन डाले थे, तो हम इसकी डिजाइन स्टार्ट करेंगे बनाना। तो यहाँ पे हम उनको काट लेंगे। तो चलिए अब इसमें हम लरी बनाते हैं। यहाँ पे बहुत ही इजी पैटर्न से लरी बना हुआ है। यहाँ पे तीन चैन डाल देंगे, एक दो तीन, और यहाँ इतनी बड़ी फंदे ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ ये फर्स्ट वाली जो चैन है उसी में डालना है। इस तरीके से हम उनको निकाल लेंगे। देखिए ये हम एक दो तीन, ये तीन फंदे हैं, इस तरीके से पकड़ लेंगे, और जहाँ से हम बनाए थे उस चैन को छोड़कर नीचे वाले चैन से हमें फिर से उनको निकालकर चैन बना लेना है। उनको निकालकर चैन बना लेना है हमें यहाँ पे, एक दो तीन, तीन चैन बन गया। फिर से इतनी बड़ी फंदे लेंगे,
एक, दो, यहाँ पे हम दो बार क्रोशिया से फंदे खींचेंगे तो ये तीन हो जाएगा। अब हम इसे एक साइड में पकड़ लेंगे और नीचे वाली चेन से हमें उनको लेकर बांध लेना है। यहाँ पे एक, दो, तीन, फिर से इतनी बड़ी फंदे लेंगे और यहाँ पे हम इसे पकड़ लेंगे और ये जो दूसरी चैन है वहाँ से हम क्रोशिया निकाल कर चैन ले लेंगे। एक, दो, तीन फंदे लेंगे फर्स्ट वाली चैन से, उनको यहाँ पे मोड़ देंगे। नीचे वाली चैन से हमें ऊन लेनी है। एक, दो, तीन फंदे लेंगे उनको इस तरीके से पकड़ेंगे। एक, दो, तीन यहाँ पे हम ये एक हुआ, दो, तीन, हम दो बार क्रोशिया डालेंगे, तीन फंदे निकलेगा। एक, दो, तीन, एक, दो, एक, दो, तीन, इसी तरीके से हमें पूरी लड़ी को बनाना है। यहाँ पे चैन ले लेंगे, एक, दो, तीन फंदे ले लेंगे, एक, दो, दो बार फंदे लेंगे उनको मोड़ेंगे और ये नीचे वाली चैन से हमें उनको लेना है, चैन डालना है। एक, दो, तीन, एक, दो, हमें दो बार ही फंदा लेना है। एक, दो, तीन, उनको पकड़ेंगे बांध देंगे। एक, दो, तीन, तो हम इस लड़ी को बार बार रिपीट करेंगे तो ये बनता चला जाएगा। तो हम इसकी पूरी लड़ी बनाकर बताते हैं। तो हमने इसकी ये आधी लड़ी बना लिए हैं। देखिए पट्टी को नाप लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये आधी लड़ी हो गया है। अब हमें इसमें हमें अब गुल्ली देनी है। एक गुल्ली देनी है हमें, इतनी बड़ी फंदे लेंगे बांध देंगे और ये इतनी बड़ी फंदे एक और ले लेंगे और यहाँ से गुल्ली बनाएंगे। यहाँ से गुल्ली बना लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदों की गुल्ली बना लिए, बांध लेंगे इसे। बांध कर चैन दे देंगे, एक, दो,
3। अब हमें फिर से ये वाली डिजाइन तैयार करना है। कितनी बारी फंदे लेंगे और यहाँ से फर्स्ट चैन से एक और फंदे ले लेंगे। 2 हो गया। अब इसे हम एक साइड में कर लेंगे और जिस चैन से फंदे लिए हैं उस चैन में हमें दोबारा नहीं लेना है। नीचे वाले चैन से हमें ऊन को बांधना है। 1, 2, 3। फिर से इतने बड़े फंदे लेंगे और इसे इस साइड में करके पकड़ लेंगे और नीचे वाले चैन से ऊन को ले लेंगे, बांध देंगे यहाँ। 1, 2, 3। फिर से इतनी बड़ी फंदे लेंगे। हमें 2 ही बार फंदे लेनी है और इधर की साइड बांध देंगे। 1, 2, 3 फंदे लेंगे और इधर की साइड बांध लेंगे, चैन लेंगे। 1, 2, 3 फंदे लेंगे एक यहाँ से बांध लेंगे, चैन देंगे। 1, 2, 3 फिर से इतनी बड़ी फंदे लेंगे और इधर की साइड ऊन ले लेंगे। 1, 2, 3 वाले चैन से बांध लेंगे। 1, 2, 3 फंदे लेंगे और नीचे वाले चैन से बांध लेंगे। 1, 2, 3। देखिए यहाँ पे हम बीच में ये गुल्ली दिए हैं। अब हमें यहाँ पे देखिए ये वाली जो गुल्ली दिए हैं इसमें डिजाइन बनेगा और हम ये वापस दोबारा से मुड़ कर यहाँ आएंगे इतना बनाकर और यहीं पे बांध लेंगे। जहाँ से स्टार्ट किए हैं वहीं से बांध लेंगे। तो हम बताते हैं, तो यहाँ पे हमने दूसरी साइड की लरी भी बना लिए हैं, एक ही लरी है। अब हमें यहाँ पे अटैच करना है इसे, जहाँ पे हमने पहली वाली लरी बनाए हैं, जहाँ से हम पहली वाली लरी बनाए हैं वहीं पे अटैच करना है। यहाँ पे इसे हम अटैच कर देंगे। फिर से हम चैन लेंगे, 1, 2, 3 तीन चैन लेकर फंदे ले लेंगे। यहाँ पे इतनी बड़ी फंदे लेकर और ये फर्स्ट वाले चैन से ही फंदे लेनी है दोबारा और हम इस साइड करके और नीचे के चैन से इसे बांध लेंगे। एक 2, 3 फिर से फंदे लेंगे इतनी बारी। 1 और यहाँ पे दूसरी साइड मोड़ कर यहाँ से अटैच कर देंगे। यहाँ पे हम दूसरी साइड
पकड़ के मोड़ लेंगे और चैन को बांध लेंगे। 1 2 3 फिर से इतनी बड़ी फंदे लेंगे और इस साइड में पकड़ कर इधर की चैन से बांध लेंगे। 1 2 3 फंदे लेंगे इस साइड में मोड़ेंगे और नीचे के चैन से बांध लेंगे इसे। 1 2 3 जैसे हमने ये पहली लड़ी बनाए हैं वैसे ही दूसरी लड़ी बनाएंगे और हमें पूरे इस डिज़ाइन में सेम ही लड़ी बनाकर और छोड़ देना है। आगे बताएंगे कैसे बनाना है। तो यहाँ पे हमने इस डिज़ाइन की पूरी लड़ी तैयार कर लिए हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पट्टी तक। हमने इधर 16 लड़ी बनाए हैं। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ से आधा लड़ी इधर बना लिए हैं, आधा लड़ी इधर। तो हम लड़ी को गिनती कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 लड़ी इधर बनाए हैं और 16 लड़ी इधर बनाए हैं। तो हम इस डिज़ाइन को अब आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बताते हैं कैसे बनाना है। यहाँ पे हम जो सबसे फर्स्ट में बनाए हैं वो वाली लड़ी ले लेंगे और यहाँ पट्टी को नाप लेंगे और यहाँ से हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमें, तो हमें अब इस लड़ी को पट्टी में जोड़ना है, यहाँ पे नाप कर अटैच करना है यहाँ पे। तो हमने जो फर्स्ट वाली लड़ी बनाए थे उसी को हम यहाँ पे अटैच करेंगे। यहाँ पे हम ऊन ले लेंगे, ऊन लेकर यहाँ पे हम इस तरीके से गुल्ली को लगा लेंगे और यहाँ पे ऊन को ले लेंगे, बांध देंगे इसे। बांध कर चैन दे देंगे, 1 2 दो चैन देकर हम यहाँ फंदे ले लेंगे इतनी बड़ी। हमें गुल्ली बनाना है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे हम 5 बार फंदे ले लिए हैं। ये डबल ऊन है, हम इसे बांध लेंगे। यहाँ पे हमने ये फर्स्ट वाली गुल्ली बना लिए हैं, फर्स्ट वाली लड़ी को अटैच करके यहाँ पे पट्टी में अटैच करके और फर्स्ट वाली गुल्ली बना लिए हैं। अब हमें सेकेंड बनाना है, यहाँ पे चैन दे देंगे, 1 2 2 चैन दे देंगे और जितनी बड़ी ये वाली गुल्ली बनाए हैं उतना ही बड़ा फंदा ले लेना है हमें और गुल्ली बनाना है। एक दो तीन
चार पाँच। अब हम इसे बांध लेंगे, बांध कर, और हमें सेकेंड लॉरी लेनी है। अब इसमें ज्वाइंट करने के लिए पहली बार हमने यहाँ से ये फर्स्ट लॉरी लिए थे, अब हमें सेकेंड वाला लॉरी लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम ये फर्स्ट ये सेकेंड लॉरी लिए हैं, तो हम यहाँ पे ये वाली जो गुल्ली है वहाँ पे इसे बांध देंगे। सेकेंड लॉरी को हम इस वाली गुल्ली में बांध देंगे और यहाँ चैन दे देंगे, एक दो फंदे दे देंगे, एक दो तीन चार पाँच। तो यहाँ पे हमने दो चैन दे दिए हैं और हमें फिर से ये वाली गुल्ली बनानी है, दो गुल्ली। यहाँ पे देखिए, हम गुल्ली बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच। इस गुल्ली को बांध लेंगे, बांध कर चैन दे देंगे, एक दो। फिर हम इतनी बड़ी फंदे लेकर गुल्ली बनाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाली चैन छोड़कर सेकेंड चैन से हमें फंदे लेनी है। एक दो तीन चार पाँच। हम इसे बांध लेंगे, बांध कर यहाँ पे हम इसे बांध लेंगे, बांध कर और यहाँ पे थर्ड वाली लरी लेंगे। यहाँ पे हमने फर्स्ट को अटैच किया सेकेंड को, यहाँ पे थर्ड वाली लरी ले लेंगे। यहाँ से जहाँ से हम पूरी लरी बनाए हैं वहीं से हम लाइन से ले लेंगे एक एक लरी, और लेकर यहाँ पे अटैच करते जाएंगे। अटैच करके दो चैन देंगे, एक दो, और फंदे लेकर गुल्ली बना लेंगे, एक दो तीन। चार पाँच बांध लेंगे इसे, चैन दे देंगे, एक दो, फंदे ले लेंगे, एक दो तीन चार पाँच। इसे बांध लेंगे। यहाँ पे हम फोर्थ लॉरी ले लेंगे और इसमें जो इधर की साइड वाली है गैप उसमें हम बांध देंगे, आगे वाले में नहीं बांधेंगे, हर गुल्ली में पीछे वाले में बांध देंगे।
देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से हम इस डिज़ाइन को इसी तरीके से पूरी लाइन लगा देंगे। तो इस डिज़ाइन की हम पूरी लड़ी बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक इस पट्टी तक। फिर उसके बाद हम दूसरी लड़ी लगाएंगे। तो पहले ये वाली लाइन कंप्लीट कर लेते हैं फिर दूसरी बताएंगे। यहाँ पे हमने पूरी लड़ी में गुल्ली डाल लिए हैं इस तरीके से, दो दो गुल्ली। अब हम पट्टी में लास्ट में अटैच करेंगे। यहाँ पे हमें लास्ट में ये जो पट्टी की दो लाइनें हैं इसको छोड़कर हम यहाँ पे अटैच कर देंगे इस डिज़ाइन को, यहाँ पे बांध लेंगे। तो हमने इसे बांध लिए हैं। अब हम गेट पर्दा को पलट देंगे। पलट कर हम यहाँ से फिर से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। ये जो गुल्ली वाली डिज़ाइनें हैं यहाँ पे देखिए, तो हम इस डिज़ाइन की दूसरी लड़ी बनाने वाले हैं। यहाँ से हमने ऊन को काटा नहीं है, यहाँ पे हम ऊन को ले लेंगे। ये जो पट्टी की दूसरी लाइन है एक दो, यहाँ पे हम ऊन को पकड़ लेंगे यहाँ से, और इस गुल्ली को भी और यहाँ पे हम इसे बांध देंगे इस तरीके से बांध देंगे। और यहाँ चैन ले लेंगे, यहाँ पे दो चैन ले लेंगे एक दो, इतनी बड़ी फंदे ले लेंगे। यहाँ से हमें पांच फंदे लेनी है, एक दो दो तीन चार पांच, पांच फंदे लेकर बांध देंगे और इसे हम यहाँ पे बांधेंगे। देखिए इस तरीके से हम बांधेंगे। यहाँ पे हम दो चैन ले लेंगे एक दो, इतनी बड़ी फंदे डाल देंगे। और यहाँ से पांच फंदे लेना है, एक दो तीन चार पांच, इसे बांध लेंगे। बांध कर हम चैन डाल देंगे यहाँ पे। इस डिज़ाइन की ये वाली लड़ी ऐसे ही सिंगल सिंगल गुल्ली बनाकर हमें ऐसे अटैच करना है गुल्ली में। बस ये छोटी गुल्ली में नहीं डालनी है, जो बड़ा वाला गुल्ली है उसमें बनानी है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो हम इसकी पूरी लाइन लगाकर बताते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पूरी लड़ी बना लिए हैं। ये वाली जो गुल्ली वाली लाइनें थी दो लाइन, पहली बार हम ये वाली लाइन लगाए थे, दूसरी बार ये लाइन। अब हम इसमें लड़ी गिरा देंगे। यहाँ पे हम तीन चैन ले लेंगे एक दो तीन, और एक फंदा ले लेंगे इस तरीके से। और
यहाँ एक चैन छोड़कर, फर्स्ट वाली चैन छोड़कर सेकंड चैन से हमें बांध लेनी है। फिर से चैन देना है 1 2 3 और फंदे ले लेना है इतनी बड़ी। हम फिर इधर कर लेंगे उनको और पिछले चैन से बांध लेंगे। फिर से 3 चैन लेंगे, फंदे लेंगे और हमें इधर की साइड बांध लेना है। 3 चैन देना है, फंदे लेनी है और ये इधर की साइड बांध लेना है, चैन देना है। देखिए पहली बार इधर लिए हैं फंदा, दूसरी बार इधर, तीसरी बार इधर, चौथी बार इधर, फंदा को इधर बांधेंगे। अभी इधर बांध लिए तो अब इस साइड में बांधेंगे अलग अलग। देखिए इसी तरीके से हमें पूरी लड़ी बनानी है तो हम बनाकर बताते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी लड़ी तैयार कर लिए हैं। देखिए अब हम काट लेंगे इसे। काट कर हम इसमें लटकन लगा देंगे। यहाँ पे हम हरा ऊन का लटकन ले रहे हैं। यहाँ पे हम लटकन को बांध लेंगे। यहाँ पे ऊन को काट लेते हैं। देखिए अब हमें इसी तरीके से पूरे गेट पर्दा में, पूरे जहाँ जहाँ ये गुल्ली की डिज़ाइन है, यहाँ से हम चैन के पास ये वाली लटकन बनाकर लगा देंगे। पूरे चैन में जहाँ जहाँ ये चैन है, ये इस सब में हमें ऐसा लड़ी बनाकर लगाना है। तो यहाँ पे हमने जैसे एक लड़ी लगाए हैं वैसे पूरे गेट पर्दा में लड़ी बनाकर लगा दिए हैं ये वाली। अब हम इसमें फुदना बनाएंगे। यहाँ साइड में, यहाँ पे पीछे की साइड इसे बांध लेंगे और यहाँ से देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और फिर हम ये एक लाइन छोड़ देंगे और दूसरी लाइन में एक और फुदना बांध देंगे। यहाँ पे पीछे की साइड करेंगे पीछे की साइड करके बांध लेंगे। देखिए और काट लेंगे इस सबको। तो यहाँ पे हम इसकी पूरी डिजाइन में ऐसा ही फुदना लगाने वाले हैं यहाँ से और जहाँ तक ये डिजाइन आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो खाली जगह है डिजाइन की, वहाँ पे गुलाब का फूल लगा सकते हैं।